जेल में पूरी सब्जी के साथ एल्विश का हुआ वेलकम। जेल की सूखी रोटी ठुकराई, हलवा को कहा टेस्टी। रातों की उड़ी नींद, अब पिंजरे में बंद पक्षी की तरह एल्विश जेल में कैद है। एल्विश यादव ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत मिलने के बाद रविवार यानी 17 मार्च को शाम 6:06 पर नोएडा के लक्सर जेल में एंट्री ली थी। रात को खाने में पूरी सब्जी और हलवा परोसा गया तो खाने में सिर्फ हलवा लिया। सिस्टम को हिलाने वाला आखिर खुद सिस्टम के आगे लाचार दिखाई दिया। जब नोएडा पुलिस ने जांच में एल्विश के खिलाफ सबूत पेश किया तो एल्विश की हेकड़ी कम हुई। आगे कुछ कार्रवाई होती इसके पहले ही सुर्खियों में रहने वाला एल्विश पुलिस के सामने टूट गया और अपने जुर्म को कबूल कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने एल्विश को अरेस्ट कर लिया। सर, एल्विश यहाँ पे कब आया, कल, क्या उसके बारे में जानकारी है, थोड़ा बताइए कौन से बैरक में रुका, कैसे कैसे। एल्विश यादव कल शाम को जेल अभियोग के अनुसार 6:06 पर दाखिल हुए हैं और ये 284, 279, 120B और 8/20 NDPS, इसके अलावा 9/39/48 है, 49/50/51 वन्यजीव अधिनियम के अंतर्गत सेक्टर बी से दाखिल किए गए थे और इनको दाखिल करने के साथ ही जो हमारी संगरोधन या क्वारंटीन बैरक होती है उसमें रखा गया है। सर, हाई सिक्योरिटी में रखा गया, अभी हाई सिक्योरिटी में इनको रखने का भी सुबह किया गया है, इनकी सुरक्षा के मद्देनजर कि कोई सुरक्षा का खतरा ना हो। किस तरीके की सुरक्षा, मतलब एक तरीके से बाहर चर्चित व्यक्ति रहे हैं तो लोग मिलने की कोशिश ना करें या कुछ, मतलब किसी प्रकार की वैसी समस्या ना हो प्रशासन की। कितने पुलिस वाले लगाए गए? 2 हेडवार्डर और 1 हेडवार्डर और 2 वार्डर्स उस हाई तैनात किए गए हैं। तो कुछ पता चला आप अंदर की कैसी रात गुजरी, क्या परेशान था क्या? तो कल पक्का लाकअप दिया गया था जिसमें पूरी सब्जी और हलवा था, तो उसका भी उनको लिया उन्होंने और उसके साथ ही ये थोड़े से चिंता दिखाई दी इस प्रकार से सोते जगते रात कटी। फिलहाल एल्विश को 14 दिन की न्यायिक हिरासत मिली है जिसके बाद उसे नोएडा के लक्सर जेल भेज दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम टर्म।